नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंशु। हाथरस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि यूपी के बुलंदशहर में किशोरी के साथ अपहरण के बाद दरिंदे ने रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले दरिंदे के घर वालों ने दरिंदे को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर भगा दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हालांकि आरोपी दरिंदा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या हुआ आज आपकी बेटी के साथ? तो आपको बता सके बेटे तो नहीं, क्या आपकी डिमांड क्या है? ये आपके साथ बुरा हुआ है? मेरी डिमांड यही कि वो गिरफ्तारी उनकी गिरफ्तारी हो, दोषियों को उनको सजा मिले। थाना ककोट क्षेत्र में लियाकत अली द्वारा जो नगला गोविंदपुर गांव के रहने वाले हैं, अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ रेप करने के संबंध में एक तहरीर थाने पे आज शाम को 4:26 को दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है, जो लगभग 20 साल का है, उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। दिन भर ये लोग आपस में शायद पंचायत आदि करते रहे। शाम को 4:26 पे पहली सूचना थाने पे मिली। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोट मौके पे गए छानबीन की। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्त गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर जरूर बताएं।